हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश हलवाई और आपका स्वागत है मुकेश यादव कुकिंग में। आज मैं आपको ऐसे शंकरपाड़े बताऊंगा जो कोई भी खा सकता है, 60 वाला भी खा सकता है, 80 वाला भी खा सकता है, एकदम सॉफ्ट और खस्ता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने सनफ्लावर घी लिया है, तो घी हमें कितना लेना है, 250 ग्राम। ये नमक है, अभी सिर्फ आपको बताया है, और ये पानी लिया है, और इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने कितना लिया है, 300 ग्राम। आप चाहें तो 250 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम बेस्ट है। इसमें हम आपको वजन करके बता रहे हैं पानी, इसमें हमें 300 ml पानी डालना है। और ये 50 ml की परी है, तो आप कैसे भी डाल सकते हैं। 300 ml पानी डाल दिया है, चीनी को अच्छे से घोल लेंगे हम। चीनी हमारी पानी में घुल के कंप्लीट हो गई है, अब ये मीठा पानी होगा, यानी कि चाशनी समझ लीजिए। और ये मैदा, 1 किलो मैदा है ये, इसमें हम 5 ग्राम नमक डालेंगे, यानी कि सॉल्ट। और ये घी जो हमने गर्म किया है, इसको भी हम आपको वजन करके बताएंगे। ये 250 ग्राम घी है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो ml में और किलो में अंतर रहता है, तो ये लगभग 5.5 पर ही है। और ये सारा पानी आपको डाल देना है, कुछ भी नहीं करना है। और मिक्स कर देना है। ये हमने आपको एक्यूरेट माप बताया, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी घर पे आप बनाते हैं तो, या हमारे हलवाई भाई बनाते हैं तो। आप भले 500 ग्राम मैदे का बनाएं या 250 ग्राम मैदे का बनाएं, हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 500 ग्राम मैदे का ही मेजरमेंट दे दूंगा। और अभी हमारी वीडियो की में क्लियरिटी नहीं आती, तो उसके लिए अभी मैं कैमरा लेने वाला हूँ। ये देखिए, इसको है ना हमें थोड़ी देर रखा रहने देना है, या आप ढक के रख दें, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद कड़क हो जाएंगी। ये देखिए ना, काफ़ी मैदा है ना, हार्ड हो गई है, तो इसकी हम मालिश करके और लोहे तोड़ेंगे। आपके पास जो भी बेलने की सुविधा है, छोटी बड़ी, उसके हिसाब से ही आप गोले तोड़ें। अगर आपके पास पाटा छोटा है तो वो हिसाब से करें। और वैसे तो हम बड़े पाटले पे एक साथ में 2 किलो मैदा लाट देते हैं बड़े पाटले पे। लेकिन ये छोटे पाटले पे और आप इसको जितना पतला बेलेंगे उतना ही बढ़िया बनेगा हमारा शंकरपाड़ा, ज़्यादा मोटा नहीं आपको करना है। और अगर आपको मिनी सलोनी की वीडियो देखना है तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और लगभग हमने 300 जितने वीडियो बनाए हैं मिठाई के और नमकीन के, एकदम फैंसी मिठाई भी बनाई है बहुत सारी, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मसाला काजू भी हमने बनाया है। कटिंग आप चौरस ही करिए।
देखिए इतना पतला आपको रखना है, इससे आप पतला भी कर सकते हैं लेकिन इससे मोटा नहीं आपको बनाना है। इसी तरह से हमें सारे शंकरपाड़े बना लेना है। शंकरपाड़े का मेन रीजन होता है तेल। तेल आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। शंकरपाड़े डालते से आना चाहिए ऊपर, अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो शंकरपाड़े फटेंगे और सही तेल में डालेंगे तो शंकरपाड़े फूलेंगे, और अपने को फूले हुए ही शंकरपाड़े चाहिए ना, है ना। और हम तेल में छोड़ देंगे, दो बार में हमें फ्राई करना है। आप चाहें जैसे घर पे बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी में, आप 500 ग्राम मैदा का बनाना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा भी फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा तेल रख के, छोटी सी कढ़ाई में छोटा तेल, कम तेल रख के सॉरी, और मीडियम ही गैस रहना चाहिए ताकि अंदर कच्चे भी नहीं रहना चाहिए। और ये शंकरपाड़े ना बहुत फूलते हैं और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे, और इनका टेस्ट यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं पार्ले जैसी भी, जो पार्ले बिस्किट रहता है उससे भी बेस्ट रहता है। नमक आ जाता है ना, नमक से और खस्ता भी होते हैं। तो आपको बादामी कलर होने तक फ्राई करना है। ये देखिए निकालती है, बहुत ही बढ़िया कलर आया हमारे शंकरपाड़े में। ये देखिए है ना, बहुत ही शानदार कलर आया है लाइटिंग। इसी तरह से आपको दूसरा गान भी फ्राई कर लेना है। तो आप घर पे बनाना चाहें हमारे हलवाई भाई तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपके शंकरपाड़े कैसे बने हैं, और फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट के जरिए मैं ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। ये देखिए 1 किलो मैदे में हमारे शंकरपाड़े हुए हैं, 2 किलो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।